हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? होपफुली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं आज की शानदार सी क्लास। आज 28 मई है फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा मैं क्लासेस भी, फिर भी मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आपकी क्लासेस ना बंक हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी सर पर होंगे। जैसे इलेक्शन का आपका रिजल्ट आएगा वैसे चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी, समस्याएँ आपके लिए होंगी, इसलिए मैं आगे आगे चल रही हूँ ताकि आपकी चीज़ें कवरअप हों। तो आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, प्रॉपर तरीके से क्लास करिए, पढ़िए। आपके लिए ही हर चीज़ पॉसिबल की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से सपोर्ट करें। आज की इस क्लास में बाल विकास के क्वेश्चंस यहाँ पर हम अगेन करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और आपको वन बाई वन करके मैं हर चीज़ बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉपरली तरीके से उन चीज़ों को समझिए, देखिए, सीखिए, फिर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आज के जो क्वेश्चंस है ये बाल विकास की एक सीरीज़ हमने चला कर रखी है आपको, जिसमें से वन बाय वन करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चन का सेट मेरे पास काफ़ी बड़ा है, तो जब तक सभी पूरे नहीं हो जाता तब तक मैं यह क्लास आपके लिए ज़रूर करूँगी, ठीक है? तो चलिए आइए करते हैं आज की शानदार सी एक बढ़िया सी क्लास को, जहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें हमें इसमें आती हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। शानी के जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। कोई दिक्कत है तो पूछिए। बाल विकास का पेपर है, आपको पता है कि 50 नंबर का यह पेपर होगा, 15 आपको इसमें MCQs आएंगे। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतने आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे और आपकी चीज़ें उतनी कवर होंगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेरा सपोर्ट प्रॉपरली करें। आइए देखते हैं, तो इसके पहले की 3-4 जो क्लासेस हो चुकी हैं उसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज 66 से हम कवर करेंगे, मैंने 65 तक करवा दिया है, 66 से बारी है उन क्वेश्चंस को कवर करने की। तो क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए, फिर ऑप्शंस पे जाया करिए, ताकि आपकी गलतियां कम हों और आप अच्छे से उन चीज़ों को समझ देख पाएँ। तो यहाँ पर देखिए 66 एक क्वेश्चन है, 66 आपसे क्या कह रहा है बता सकते हैं? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या चीज़ क्लिक कर रही है बताइए, आपके दिमाग में क्या चीज़ क्लिक कर रही है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 डैश आपको दिया है, 1 डैश यहाँ पर दिया है, 1 यहाँ पर दिया है, 2 डैश आपको दिया है, और ये कह रहा है कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन किसने दिया है? वंशानुक्रम और पर्यावरण के चुनौतियाँ और सीमाओं के स्थिरता और परिवर्तन के खोज और पोषण के 66 में कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? 2 ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में दिए गए हैं, और दोनों में आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा क्या होगा ऑप्शन जो इसमें सटीक बैठेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष के रूप में हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको ऑप्शन 1 है, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगर आपकी वंशानुक्रम से, क्योंकि आपको पता है कि वंशानुक्रम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और पर्यावरण से भी, दोनों बहुत ही अहम भूमिका को निभाते हैं, इसीलिए 66 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं, 67 पे आते हैं। अब देखिए 67 क्या है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष - शुरू किया गया था। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कंप्यूटर बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स को करने के लिए आप बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती है। गवर्नमेंट हर बार कोई चीज़ को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए योजनाएँ बनाती है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने कुछ नया बनाया, तो वो जो वर्ष था वो क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो 67 का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा होगा? 2001 होगा, 2003 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चंस के लिए एकदम सटीक है? भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना जो लाई गई थी वो 2004 के टाइम की थी, ठीक है? तो 67 में सी क्वेश्चन जो है वो एकदम सही है, करेक्ट है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 68 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन था कि कब की गई थी वो आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपको डीएड सेकेंड सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इन्हें भी अभी से पॉइंट आउट या मार्क करते हुए समझते हुए चले कि चीज़ें यहाँ पर क्या दी गई हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1996, 1998, 2001, 2003, सिर्फ एक ऑप्शन सही है, वो है सी वाला 2001, ये एकदम करेक्ट है।
हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 69। यहाँ पर दिया है स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का जो एक ढांचा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा डैश में निकाला गया था, तो वो चीज़ क्या थी 1990, 1992, 98 और 96। 69 का कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका करेक्ट है, वो है आपका 1998। ठीक है, वो क्या है, तो वो है 1998, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि डेट वगैरह ही ज़्यादा आती है एमसीक्यूज में शुरू से। आगे बढ़ते इसी के 70 क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। 70 में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा, आप जितना क्वेश्चन अच्छा रिपोर्ट देंगे, बताएंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी हेल्प होगी और आप उतना अच्छा अपना हर पेपर में कर ले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन है, शिक्षक को विषय की समझ। ये जब होगी तो चीज़ें आपकी आसान होंगी और टीचर प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, जो कि काफ़ी नेसेसरी होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं 71। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री जो TLM का यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बच्चों को प्रभावित करने के लिए एक ऑप्शन, दूसरा यहाँ पर है इनको रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, तीसरा यहाँ पर है एकाग्रचित बनाने के लिए और अंदर शिक्षण, छात्रों में अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सही है, सटीक है और उम्मीद है कि आप भी इसको चूज़ करेंगे। तो आपका है शिक्षण को रोचक बनाने के, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, काफ़ी बढ़िया बनाने के लिए हम उन चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं, सीखते समझते हैं, तो चीज़ें आसान सी हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम अगर होती तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, बात कर लेते हैं 72 की। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है, तो मीटिंग्स वगैरह होती हैं कि नहीं, बिल्कुल होती हैं। तो वहाँ पर है क्या करना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए और छात्र को दंडित करना चाहिए, छात्र को अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे क्या चीज़ें करना चाहिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जाकर उनसे मिले, ठीक है, किसी न किसी पर्पज़ से या किसी इवेंट से कुछ भी करके वो जाकर उनसे मिलेंगे, तो शायद ये भी चीज़ें अच्छी होंगी और आप उनकी हेल्प कर पाएंगे या बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं 73 पे चलते हैं। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, तो किसको, बंटित को, पहला ऑप्शन, समूहित को, बी ऑप्शन, अंतरित को, सी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 73 में क्या सही है, 73 में आप किसको चूज़ कर रहे हैं, एकदम सही है, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही है। ये मत सोचा करिए कि इनमें से कोई नहीं या नन अगर दिया है तो वो कभी होगा नहीं, जी गलत है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो एकदम आपको सब सही, एकदम सरल क्वेश्चंस तो नहीं दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 74। पाठ्यचर्या निर्माण को क्या माना, कार्य माना जाता है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, तो कैसा हम वर्क मानते हैं, जो कैरिकुलम बनाए जाते हैं उसको कैसा वर्क मानते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला है कि एक नियमी कार्य होता है, दूसरा है एक विशेषज्ञता का कार्य नहीं है, ठीक है, दो ऑप्शन हो गए, तीसरा है एक अधिक विशेषज्ञता का कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। एक ऑप्शन 74 के लिए सही है, सिंपल है, सटीक है, टिकाऊ है, एक अत्यधिक विशेषज्ञ का कार्य है, ठीक है। तो ये आप इसे आपको मालूम है कि कैरिकुलम वगैरह अगर बना है, टाइम टू टाइम चीज़ें बनी, तब आपको आसानी होती है ना कि हाँ ये चीज़ें दी गई हैं, इसमें हम ऐसा काम करेंगे या हम ऐसा पहले ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे फिर ऐसा पढ़ेंगे, तो वो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो वो आपको भी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं 75। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, जो बच्चे होते हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में करनी चाहिए, अलग से करनी चाहिए, लोगों के बीच और व्यक्तिगत रूप से, जो बच्चे होते हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, कब और कहाँ, क्या होगा राइट आंसर, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सही होगा, सिर्फ एक है, लोगों के बीच, ठीक है, लोगों के बीच करनी चाहिए। तो 75 में सी जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका सही है, उनका बेहतर है। चलिए हमने 75 तक कर लिया, फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक्स ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं
और उसी एनर्जी के साथ मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास करती हूँ। तो कोशिश यही है कि आप भी चीज़ों को समझिए, सीखिए, देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आपको पूछना होगा, ठीक है। आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए, टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया गया, नाम शालिनी क्लासेस है, जितना होगा उतनी आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत तरीके से मदद की जाएगी, लेकिन आप भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है? कुछ बात क्लियर हुई, चीज़ें समझ में आई, होपफुली आई होंगी, दिक्कतें आपकी कम होंगी, उम्मीद तो मुझे यही है। अब बाकी आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए, ठीक है। आगे बढ़े, हमने 75 तक कर लिया, और ऐसे में आपको 25 25 20 20 डेली करवा दूँगी, तो चीज़ें आपका एक अच्छा पेपर तैयार होता रहेगा, क्वेश्चंस आपके काफ़ी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मोटिव तो मेरा यही है कि मैं ऐसे ही आपको काफ़ी कुछ करवा दूँ ताकि आप कम समय में सीख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 में आते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे और रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो यहाँ पर ग्रेड बताता है, अंक बताता है, ग्रेड और अंक दोनों बताते हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक क्राइटेरिया को दर्शाती हैं या दिखती हैं, कुछ भी ऐसा रहता है, तो वो क्या होता है बता सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम जज कर लेते हैं कभी कभी, बल्कि नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये चीज़ें ग्रेड में आती हैं, ठीक है। 76 में किस में आएंगी? ए ऑप्शन में आएंगी, इसको हम ग्रेड कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, अगर आपको ए समझ में आ रहा है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंकों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जैसे आपको एक इंस्टीट्यूट है, आपने वहाँ पर एडमिशन लिया, तो वहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलता है ना, तो उससे क्या पता चलता है? तो यहाँ पर 60% है, 85% है, या 50% है, 95% है। तो अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो एक हिस्सा दृश्य श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया, मतलब जो हम डेली अगर क्लास ले रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे क्या चीज़ है जो क्लियर हो रही है, लगभग ये कह सकते हैं कि कितने प्रतिशत एक विश्वास डेवलप होता है। तो वो 85%, 100% तो नहीं होता, बट 85 तक दिमाग में रहता है कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, बच्चा इस सब्जेक्ट इतना पा रहा है तो हाँ ये, और हर सेमेस्टर में पा रहा है, हर साल पा रहा है, तो थोड़ा सा एक 85% अजम्पशन ज़रूर हो जाता है, 15% हम डाउट में रहते हैं। ये वो ओवरऑल आपसे रेटिंग पूछ रहा है कि क्या चीज़ें समझ में आती हैं। अब कोई लगातार पास हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही, थोड़ा फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 78, वर्ग कक्षा में माहौल में एक सकारात्मकता पढ़ाई वातावरण स्थापित है, ठीक है, सकारात्मक पढ़ाई का वातावरण बना हुआ है, मजबूत करने के अधिकार को निश्चित अनुशासन क्या होगा? तो बढ़ावा नहीं देगा, बढ़ावा देता है, इससे कुछ लेन देन नहीं होता, कि ज़रूरत नहीं होती। जैसे क्लासरूम है तो आपको ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट की क्या प्रेजेंस होती है। हमेशा दो चीज़ें ध्यान, वंशानुक्रम और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है बाल विकास में, दोनों की अहम भूमिका हर क्षेत्र में, हर लोगों के लिए, हर बच्चों के लिए, हर वर्ग के लिए है। तो वही चीज़ इसमें पूछ रही है कि जो पॉजिटिविटी है या जो कुछ भी इन्वायरमेंट है, अगर क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से है और पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, सभी बच्चे कर रहे हैं, तो उससे क्या हेल्प मिलेगी? तो उससे आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी, आगे चलेंगी, क्या होंगी। तो बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। क्या आप अगर अच्छा सा इन्वायरमेंट बना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और शाबाशियाँ भी आपको मिल रही हैं, आप नई नई चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ जा रहे हैं, तो आपको बढ़ावा मिलते हैं, ठीक, क्लियर है? इतना आई थिंक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर होती तो पूछिएगा। चलिए आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक 79 पे हम हैं, 1x1 करके चीज़ें कवर अप हो रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी शिक्षक पर एक प्रभाव जो है, उनके जो सीनियर्स होते हैं, अधिकारी हावी होते हैं, तो उनके उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या होती है? आपको पता है कि अगर आपके ऊपर कोई बॉस बैठा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, घटती जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस तो कई सारे दिए हैं, 3-4 हैं, 5 है, 6 हैं, तो ये समझना है कि जो स्किल्स है या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई टीचर है, टीचर के ऊपर भी कोई अब उनके बॉस बैठा है या कोई और चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है,
तो इतना क्लियर समझ में चलना चाहिए कि आपका वो काम उस वक्त ख़राब होगा, क्योंकि आप मजबूरी में वो काम करेंगे, फोर्सली वो काम करेंगे तो उतना हेल्पफुल नहीं होगा, चीज़ें आपकी घटेंगी, डिक्रीज होंगी। आप जब तक फ्री माइंड से नहीं रहेंगे, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप उतना बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करनी होंगी कि आपको किसी को कोई चीज़ सिखानी है, कुछ भी करना, तो आप प्रेशराइज़ करके काम नहीं करिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इवन बच्चा भी हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंपल है, बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़िए, छात्रों के सही मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाए, बच्चों के एकदम सही एनालिसिस के लिए, टेस्ट के लिए आप किस विधि को, किस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, सतत कर सकते हैं, दो ऑप्शन दिया है। तीसरा दिया है कोर्स के अंत में मूल्यांकन है, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन है। क्या चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से हेल्प करेंगी और सिंपल तरीके से आपको बहुत काम आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के सही मूल्यांकन लिए कॉन्टिन्यूस टेस्ट वगैरह जो कुछ भी होता है वो हेल्प करता है, जिससे कि पता चलता रहता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कहीं दिक्कत क्या आ रही है, ताकि वो चीज़ वहीं पर दूर कर दी जाए। आगे बढ़ते इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 81। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीते हों, निष्ठापूर्वक अपने काम को करते हों, प्रभावी तरीके से पढ़ाने में अच्छे हों, और ये सभी। तो टीचर्स अगर सारी क्वालिटी फुलफिल हो रही, सब कुछ है, तो ये सभी इसका राइट आंसर है और उनको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते 82। निम्नलिखित में से किससे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषित मानेंगे, समस्या हल करना होगा, विशिष्ट हुनर का विकास होगा, आचरण समय प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। 82 में क्या सही है, तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है या स्किल से कुछ भी है, तो वो ध्यान रखना है कि इनमें से कोई नहीं होगा। ये चीज़ें अधिगम के लिए सबसे उचित परिभाषा फिलहाल अभी यहाँ पर कोई ऑप्शंस में नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है, कोई व्यक्तित्व तो एक प्रभावी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकते हैं, अवलोकन करके, ऑप्शन वन सुनकर, पढ़कर, खुद करके। आपको कोई चीज़ सीखनी है, करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो हमने हमेशा से वन एक चीज़ पढ़ी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि खुद करके अगर कोई चीज़ आप करते हैं तो आपको कम समय में भी आती है और बहुत एक्सपीरियंस के साथ में भी आती है, तो वो हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 84 पर चलते हैं। वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, बच्चा जो छोटा होता है वो वर्णमाला वगैरह को कब से पहचानने लगता है, किस साल से वो पहचानता है, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से। तो ध्यान रखिएगा, जब 3 साल का लगभग रहता है या उस स्टेज में आता है, तो उसको थोड़ी थोड़ी पहचान होना शुरू हो जाती है कि क्या लिखा है या क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़िए, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वो क्या जाने, अगर बच्चों में सोशल की चीज़ें को ऐड करना है तो टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत रुचियों को, शारीरिक विकास को, सभी पक्षों को, और कार्य निष्पादन को। क्या आपको सही मान के चलना चाहिए कि ये चीज़ें सही हैं या ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के सभी पक्ष, जितने भी पक्ष वगैरह कुछ भी हैं, उनको ध्यान से समझिए, सीखिए, सिखाइए, तो वह हेल्प कर जाता है। 85 में आपको यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 86। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा क्वेश्चन वन, मतलब ऑप्शन वन है, सहयोगी ईर्ष्या से, अधिगम स्थानांतर से, और समूह निर्देशन से। 86 में क्या होगा जो सही होगा, आइडेंटिकल एलिमेंट निम्न में से गहन संबंध रखता है, तो यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण होता है, जहाँ पर हम कोई चीज़ पहले सीखे रहते हैं उसको आगे भी काम में ले लेते हैं, तो वो आपका क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण। सीखी हुई चीज़, पहले कोई चीज़ सीखी और बाद में जब वो काम आती है तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, स्फूर्ति अवस्था कही जाती है किसको, शैशवावस्था, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था। जो स्फूर्ति की अवस्था होती है वो हम किसको कहते हैं, तो वो हम बाल्यावस्था को कहते हैं। ये जैसे अवस्थाओं के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही ये भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती, किसने कहा, वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टेसी ने, और इनमें से कोई नहीं। बात ये आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न, कथन वाले कह सकते हैं, हमेशा आएंगे, थोड़ा ध्यान में रखिए ज़रूर, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही ऑप्शन आपका सही है, रॉस ने कहा। 88 में बी ऑप्शन अगर करेक्ट है, अगर आप मुझे बता रहे हैं तो। 89 पे आइए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किसने कहा, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ध्यान के विकास के लिए, भाषा विकास के लिए। 89 में क्या सही होगा, तो मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो विकास पूर्वानुमान हेतु होता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, रेख ही होता है, निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट से प्रश्न हमेशा आते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है, तो आपको अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तैयारी आपको सब कुछ करनी होगी।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रेक ही होता है, ठीक है, विकास रेक ही होता है, ये यहाँ पर गलत बात है, बाकी सब कुछ सही है। लीनियर में क्योंकि ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, कुछ इस तरीके से होता है, तो ये लीनियर होने वाली बात कभी कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें गलत का प्रश्न पूछा है। तो चलिए फिर आज की क्लास करते हैं ओवर, 90 प्रश्न तक हम आ गए हैं, कल 90 के आगे से करेंगे 105 या 90, 105 क्या कह सकते हैं कि और ज़्यादा प्रश्न करेंगे, तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। होपफुली क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपके सिलेबस से ओरिएंटेड है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए सीखिए, ताकि आपको कम समय में चीज़ें आ जाएँ, बढ़िया आप लोग कर ले जाएँ, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत है तो आपकी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।